गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स की विज्ञान की वर्कशीट। जैसे कि आप सबको पता है, आपके अब दो वर्कशीट्स आएंगी। आज आपकी वर्कशीट्स आई हैं विज्ञान की और इंग्लिश की। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं विज्ञान की वर्कशीट। बच्चों, जैसे कि सब जानते हैं, अभी तक हम भोजन के घटक डिस्कस कर रहे थे। तो भोजन के घटक डिस्कस करने के बाद, अभी तक आपको पता है हमने भोजन के घटक में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने वसा के बारे में पढ़ा था, हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। इंग्लिश में विटामिन भी कह सकते हैं इसे। तो ये बच्चों, ये कम मात्रा में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और के, जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। और इनमें से प्रत्येक अलग अलग खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के कामकाज के एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो बच्चों देखिए, कौन से हैं विटामिन के स्रोत, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी। अब देखते हैं हमारा विटामिन ए, बी, सी, डी किस में मिलता है और हमारे शरीर में ये क्या भूमिका निभाता है। विटामिन ए, इसका स्रोत क्या है, गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल। और ये क्या कार्य करता है, आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम। आपने सुना होगा, अगर आपकी आंखें कमज़ोर है तो आपको गाजर का जूस पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाजर के जूस में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन बी जो होता है, वो आपको ईस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियों में मिलता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, ये हमारे शरीर की जो मसल्स होती है, तंत्रिकाएँ होती हैं, उनको स्वस्थ बनाने में मदद करता है और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आप सबको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि जो विटामिन बी होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन एक, विटामिन टू, विटामिन बी ट्वेल्व, ऐसे अलग अलग इसके पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम सोचते आपके माइंड में खट्टे फ्रूट्स आ जाने चाहिए। जितने भी आप खट्टे फ्रूट्स खाते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, उन सब में क्या होता है, विटामिन सी। और वो खट्टे किस लिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अम्ल पाया जाता है। ओके बच्चों, और विटामिन सी अगर हमारे बॉडी में नहीं होगा, या फिर बॉडी में के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखता है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन डी, दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल और धूप के संपर्क। सबसे आपने सुना होगा कि अगर विटामिन डी की कमी, तो धूप में जाके खड़े हो जाओ। तो बच्चों, विटामिन डी क्या है, इसका जो अच्छा स्रोत है वो क्या है, नेचुरल आपका धूप, और उसके अलावा दूध, मक्खन, इन सब से आपको मिल जाता है। कैल्शियम का उपयोग करके हड्डी और दांत को मजबूत करता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये हो गए अलग अलग तरह के विटामिन। अब है खनिज लवण, मतलब मिनरल्स। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में ही सही, हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये शरीर के अलग अलग भागों में निर्माण और जीवन की अलग प्रक्रिया करने को मदद करता है। ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से मिलते हैं। ये हमें जो खाद्य पदार्थ पौधों से या फिर पशुओं से पाए जाते, दोनों से मिलते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में भी खनिज पाए जाते हैं। जैसे आप सबको पता है, पौधों को खाना कहाँ से मिला, मिट्टी से, और हमें खाना मिला पौधों से, तो इसलिए खाद्य पदार्थ में खनिज होते हैं। अब खनिज कैसे, जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम का हमें कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम का बच्चों सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, दूध और हरी सब्जियाँ। ये हमारी बॉडी को मजबूत करता है। आपने सुना किसी को हड्डी कमज़ोर है तो क्या कहते हैं, कैल्शियम खाओ। तो कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या बताते हैं, दूध। उसके अलावा बच्चों, आप मखाने भी खा सकते हैं, आपको जो चीज़ पसंद है, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने के लिए एवं रक्त के थक्का जमने के मदद करना। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है बच्चों, फॉस्फोरस का स्रोत है मांस, मछली और अंडे। इसका कार्य होता है हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने के लिए। आयरन अच्छा स्रोत है आपके लिए, आयरन का काम होता है शरीर में रक्त निर्माण। अगर कभी भी आपने सुना हो कि शरीर में खून की कमी है, तो
तो खून की कमी के लिए आपको क्या खाया जाता है, आयरन की टैबलेट्स खाओ। आपको स्कूल में भी आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो। और उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो कौन सा है, हरी सब्जियाँ, लीवर और मांस। अब है आयोडीन। आयोडीन आपको कहाँ से मिलता है बच्चों, नमक से। तो जो समुद्र खाद्य पदार्थ आयोडीन युक्त नमक होता है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पे हमने विटामिन्स पढ़े हैं, अब हम मिनरल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंग्लिश मीडियम में से डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ आ गया होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए सबसे आवश्यक विटामिन कौन सा है बच्चों, वो है हमारा विटामिन डी। हम यहाँ पे लिखेंगे विटामिन डी। अब है विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो विटामिन सी क्या चीज़ मजबूत करता है बच्चों, दांत और मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बच्चों समुद्र भोजन में आयोडीन खनिज पाया जाता है। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी में कैसे मदद मिलता है, क्योंकि गाजर में बच्चों क्या होता है, गाजर में होता है विटामिन ए, जिसकी वजह से वो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, हमें अपनी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो पांचवा है, छठा है, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थ से कौन सा विटामिन प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, अमरूद से आप प्राप्त कर रहे हैं विटामिन सी। अब उसके बाद उसने पूछा है मछली या फिर मांस, तो बच्चों देखिए मछली और मांस के उसने आपने विटामिन पूछा है, तो अगर आपसे खनिज पूछा जाता तो उसको फॉस्फोरस मिलता है, और उसके अलावा विटामिन की बात करें तो विटामिन बी हमें मिलता है मछली और मांस खाने से। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट हिंदी मीडियम में, चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, इंग्लिश मीडियम में देखिए आप सबको वो समझ तो आ गया होगा कैल्शियम, फॉस्फोरस इन सब के सोर्सेज क्या हैं, वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। आपको एक विटामिन का नाम बताना है जो कि बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बच्चों वो कौन सा है, विटामिन डी, बोन्स एंड टीथ। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आवर डैश एंड डैश हेल्दी। तो कौन जो विटामिन सी है किस चीज़ को हेल्दी करता है, टीथ एंड गम्स को। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड। सी फूड का अच्छा सूत्र क्या है, सी फूड में कौन सा मिनरल मिलता है, वो है आयोडीन। नेक्स्ट है, हाउ कैन हैविंग कैरेट्स इन इम्प्रूविंग योर आई साइट, बिकॉज कैरेट्स है विटामिन ए, कैरेट्स के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, तो इस वजह से वो हमारी आई साइट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद है, हाउ डू वी नीड कैल्शियम, वाई डू वी नीड कैल्शियम, हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्यों है बच्चों, फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड आर टीथ, हमें अपने शरीर की हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। उसके बाद है बच्चों, इफ़ यू ईट फिश, मीट एंड गुआवा, विच आर द विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड्स। बच्चों गुआवा में आपका होता है विटामिन सी, तो गुआवा से आपको मिलेगा विटामिन सी, एंड मीट एंड फिश से आपको मिलेगा विटामिन बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीट और फिश से आपको कौन सा मिनरल्स मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा फॉस्फोरस। तो बच्चों ये थी हमारी आज की छोटी सी वर्कशीट, क्लास सिक्स की वर्कशीट, जिसमें हमने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।